ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन को रिनोवेट करने की घोषणा की गई है। इसके चलते रायपुर के निवासियों में काफी हर्ष और खासकर बच्चों में बहुत ही उत्साह देखा गया है और इसी उत्साह को उन्होंने इंडियन न्यूज के साथ शेयर भी किया है। अभी तक इसका जो विकास था वो सामने के हिस्से में था, अब पीछे गुड़ियारी का जो हिस्सा है उसमें भी विकास होगा और इस तरह ये एक मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में इस स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधियाँ भी होगी, होटलें भी होंगे, रेस्टोरेंट भी होंगे और इंटरटेनमेंट के जो स्थान है वो भी इसमें स्थान दिया गया है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही रायपुर की जनता को जो नरेंद्र मोदी जी के इस विचार पर ये नए 408 पूरे देश में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ये पूरे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेंगे और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और रेल में क्या अच्छा हो रहा है इस विषय पर ना एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री वो लाइव आए थे, जिन्होंने हमें बहुत संबोधन किया और हमें बहुत सारी बातें भी बताई। ट्रेन से सफर करना, पहले ट्रेन उतना अच्छे से विकसित नहीं होता इसलिए जगह जगह गंदगी रहती थी, मतलब उतना अच्छे से ट्रैवलिंग नहीं हो पाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से मतलब जैसे पिछले साल से अभी हम बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पा रहे हैं क्योंकि ना सभी ट्रेन में साफ सफाई का पूरा रूप से ध्यान दिया जाता है और पहले तो ट्रेन में चोरी वोरी बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अभी सुरक्षा का भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। रायपुर स्टेशन तो अभी भी अच्छा है, साफ सुथरा है, काफी बड़ा है, किंतु मोदी जी ने जो सपना देखा है और जैसे हबीबगंज जो है उनको रिनोवेट करके जो बनाया है एक एयरपोर्ट के जैसे, तो अपना रायपुर भी व्यावसायिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और काफी सेंटर है इंडिया का, तो यहाँ इतना अच्छा अगर होगा स्टेशन तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोगों को अच्छा रहेगा। काफी बड़ा जंक्शन है रायपुर, बहुत खुशी की बात है कि रायपुर शहर को रिनोवेट करने का काम मोदी जी ने जो किया है और इससे सुविधाएं बहुत सारी मिलेगी लोगों को यहाँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि जो रिनोवेट का काम जल्दी चालू हो, रायपुर लोगों को सुविधा प्रदान हो, यही सब कामना है। अभी स्टेशन कैसा दिखता है और आने वाले समय में कितनी सुविधाएं मिलेंगी? अभी जो दिख रहा है उससे भव्य रूप होगी, आगे और भी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी लोगों को, फैसिलिटी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।